माई चैनल। इस वीडियो के मैंने दो पार्ट्स बनाए हैं। फर्स्ट पार्ट में मैंने एन का यूज बताया था, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और इस पार्ट में हम यूज ऑफ दी के बारे में पढ़ेंगे। यदि किसी वस्तु या व्यक्ति का जिक्र पहले हो चुका है तो उससे पहले हम दी का यूज करते हैं। यदि किसी नाउन के बाद ऑफ हो तो उससे पहले। यदि किसी नाउन की विशेषता बताई गई हो तो उससे पहले। यदि कोई एकवचन नाउन उस पूरी जाति का गुण बताए तो उससे पहले। जब दो प्रॉपर नाउन्स की आपस में तुलना करनी हो तो उससे पहले। पुस्तक, अखबार, पत्रिका, भवन आदि के नाम से पहले। दिशाओं के नाम से पहले। प्रकृति की चीजों से पहले। धर्म तथा राष्ट्रीयता के नाम से पहले। ऐतिहासिक घटनाओं, राजनीतिक दलों के नाम के साथ। पद या पदवी से पहले। नदी, पर्वत, सागर, महासागर, द्वीप समूह आदि के नाम से पहले। सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ। फर्स्ट, सेकंड, लास्ट, इन सब से पहले। कंपैरेटिव डिग्रीज के साथ। लेट्स टेक सम एग्जांपल। अ बॉय इज गोइंग अलोंग अ रोड, द बॉय इज कैरिंग अ बैग। इस सेकंड सेंटेंस में बॉय के साथ दी का यूज हुआ है, क्योंकि फर्स्ट सेंटेंस में बॉय का पहले उसके बारे में पहले डिस्कशन हो चुका है। द पीपल ऑफ दिस विलेज आर पुअर, इसमें पीपल नाउन है और इसके बाद ऑफ का यूज हुआ है, इसलिए यहाँ पे दी हमने लगाया है। सोहन इज द बेस्ट बॉय ऑफ द क्लास, बेस्ट के साथ हमेशा दी का यूज होता है, क्योंकि बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। This is the boy who helped me. इसमें boy के साथ दी का यूज किया, क्योंकि यहाँ पे boy की विशेषता बताई गई है। The dog is a faithful animal. इसमें dog पूरी community को show कर रहा है, इसलिए यहाँ पे दी का यूज किया है। The sooner the better. इसमें sooner और better comparative degrees है, इसलिए यहाँ पे दी का यूज हुआ है। The Congress is the political party in India. इसमें कांग्रेस यहाँ पे राजनीतिक दल को बता रहा है, तो इसके साथ हमने दी का यूज किया है। ही इज द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल, प्रिंसिपल पद को शो कर रहा है, इसलिए यहाँ पे दी का यूज किया है। कालिदास वॉज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, इसमें कालिदास और शेक्सपियर की आपस में कंपैरिजन किया गया है, इसलिए यहाँ पे शेक्सपियर से पहले दी का यूज किया है। द गीता, द त्रिभुवन, द सरिता, द रेड फोर्ट, ये सब पुस्तक, अखबार, पत्रिका, भवन, इन सब को दिखा रहे हैं, इसलिए दी का यूज किया है। द सन, द मून, सन और मून नेचुरल थिंग्स हैं। द हिंदूज, द इंग्लिश, हिंदूज और इंग्लिश यहाँ पे धर्म को दिखा रहे हैं। द यमुना, द रेड सी, द अंडमान्स, ये सब नदी, पर्वत, महासागर, द्वीप समूह, इन सब को दिखा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे दी का यूज किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।